वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी टाइम हुआ है 6:30 बज रहे हैं और आज मुझे बनाना है इडली और डोसा। तो मैं डोसे के लिए तो बैटर तो वो कल ही रेडी कर दिया था इडली और डोसे के लिए, अभी बनाकर आई हूँ, सांभर चढ़ाकर आ गई हूँ और जो डोसे में फिलिंग करनी है आलू की उसका मसाला वो रेडी करके आई हूँ। अभी नीचे जाकर दिखाऊंगी। और आयु सो नहीं लग रहा, चाँद को भी जगा कर लेकर आई हूँ ताकि वो उठ जाए और अपनी जोत जला ले, उसके बाद फिर इनका इडली और डोसा तैयार करती हूँ। लंच में भी इनको लेकर जाना, आज वही दोनों स्कूल जा रहे हैं, कोई से की भी छुट्टी नहीं है, तो लंच में वही लेकर जाएंगे आज। ये सांभर जो चढ़ा कर गई थी बनकर हो गया रेडी, बस गैस बंद करूँगी और ये डोसे के लिए आलू की फिलिंग, और यहाँ पर है हमारा बैटर इडली के लिए, इसको बंद करके इडली बनाती हूँ। पहले इडली का बैटर इतने अच्छे से फर्मेंट हो गया है, जो बाहर से आता है ना रेडीमेड उसकी इतनी अच्छे से नहीं बनती, इसकी बहुत अच्छी बनती है। और डोसा भी मैं इसी का ही बनाती हूँ, कोई अलग से बैटर रेडी नहीं करती, इतना क्रिस्पी डोसा बनेगा इसका भी बहुत ज़्यादा। पानी हो गया है यहाँ पर बॉयल अच्छे से, और ये इडली के लिए मैंने इसमें बैटर डाल दिया है, इसको रख दूंगी अब 5 मिनट में हमारी इडली बनकर हो जाएगी रेडी स्टीम में। जितनी देर में इडली बनकर होगी रेडी तो मैं इतनी देर में निकालूंगी आंवला का जूस, फ्रेश आंवला का जूस, बोतल वाला सही लगता है जो पैक ढोकर आता है, इसलिए फ्रेश आंवला का ही निकालती हूँ। जूस निकालने के लिए सबसे पहले कट कर रही हूँ 5-6 आंवला इस जार में, इसके बीज निकाल के बाहर रखने लग रही हूँ। इसके बाद इसको कर लिया है ग्राइंड इतने अच्छे से कर लिया है ताकि अच्छे से इसका जूस निकल जाए, और इसको ग्राइंड करने के बाद फिर छलनी में से छान लूँगी और हमारा फ्रेश आंवला का जूस बनकर है रेडी। ये जूस इतना निकला है 5 आंवला का, मतलब हम 3 पी सकते हैं, इसमें से एक एक बूटी पीते हैं। और ये मेरी इडली भी बनकर हो गई है रेडी। अब इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा बन गई है क्योंकि स्पून बिल्कुल क्लियर निकली। अगर इसका ये लग कर आता बैटर तो समझ लो एक अच्छी थी, पर ये बन गई, इसको निकाल देती हूँ अब इसमें से। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर इनमें से निकालती हूँ, नहीं तो इसमें ना ये चिपक जाती है अगर गरम गरम निकालते हैं तो। चाहत अपनी इडली लेने भी आ गई, इसी को ही सबसे ज़्यादा पसंद है। अभी और बनाऊंगी इनकी लंच में ले जाने के लिए, साथ में मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा ली है। आयु बैठा उसका पता नहीं मन कह रहा, मेरा अजीब सा हो रहा है 2 दिन से। गाइस ये आयु सुबह सुबह रेडी भी हो लिया था जाने के लिए स्कूल, नहा कर सब कुछ, फिर एकदम बोल रहा मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा है और ये नहीं गया स्कूल, यहाँ लेट गया। पेट में दर्द तो नहीं है? पेट में दर्द नहीं, इसका मन अजीब हो रहा है। फिर मैंने भी इसलिए छुट्टी करा ली क्योंकि स्कूल में अभी पढ़ाई नहीं हो रही, 1 तारीख से ही होगी, अभी तो ऐसे ही बुला लेते हैं एक्टिविटी वगैरह कराने के लिए। मैंने सोचा कभी स्कूल में ज़्यादा हो जाए, है ना। सो जाब गाइस, अभी मैं जा रही हूँ, वैसे ही रख रखा है आयु खड़ा हुआ है, अभी मैं जा रही हूँ बोट के सर्विस सेंटर। आयु की एक वॉच मंगाई थी, वो वॉच थोड़ी सी साइड से क्रैक सी हो गई, तो उसके कस्टमर केयर में बात की थी तो वो बोल रहे हैं सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा। अभी देखती हूँ उनके सर्विस सेंटर पर जाकर क्या बोलते हैं, ठीक होगी या नहीं होगी, तो अभी वहीं चलते हैं। आयु ऐसे पढ़ रहा है, इसका पढ़ाई करने का ढंग ऐसा है, आराम से बैठ कर नहीं पढ़ सकते। अजीब मन कैसा मन? इसका खाने का मन करता भी है नहीं भी करता, तो इसके लिए मैंने अभी गैस पर रख दिया है यहाँ कुकर में कॉर्न बॉईल होने के लिए, और ये मैं लेकर आई हूँ कंजक को देने के लिए 12, और एक ये लेकर आई थी ये ब्रश,
ये बोटल्स वगैरह साफ करने के लिए, इनके अंदर ना मिट्टी सी जमा हो जाती है और वो साफ नहीं होती बिल्कुल भी, तो वो साफ करने के लिए लेके आई हुई है। इसमें ये बड़ी भी है एक, एक ये छोटी है और एक ये लंच बॉक्स के अंदर की डिब्बी, जो चाट की में से ना निकलने लग गया था, कुछ भी सब्जी वगैरह देती थी निकल जाता था, तो उसके टिफिन के लिए लेकर आई हुई है। अब इसमें लेकर जाएगी तब पता चलेगा निकलेगा या नहीं, क्योंकि शॉपकीपर तो ये बोल रहा था कि नहीं निकलेगा इसमें से। गाइस ये चाहत बैठ गई है स्कूल से आते ही, ये थाली भर के इडली लेकर और सांभर, अभी बनाऊंगी डोसा। आप भी खा रहे हो? आयु भी खाएगा अभी डोसा और बनाऊंगी। ये डोसे का बैटर बचा के रख रखा है और ये इसमें फेलिंग के लिए, जाकर बनाती हूँ अभी। ये मैंने गरम गरम बना दी, मैंने सोचा ठंडी अच्छी नहीं लगेगी है ना छोटे बाबू, ठीक हो? अरे ठीक रहोगे तो पूरे दिन। यहाँ पर डोसा बनाने के लिए मैंने रख दिया है, एक चाट को तो दिया ही, आयु को चाहिए था पर उसको प्लेन डोसा चाहिए था, मैंने ये इसके ऊपर रख दिया था, फिर वापस निकाल ले। अभी ये क्रिस्पी होने लग रहा है, नीचे से ब्राउन ब्राउन हो गया, एकदम क्रिस्पी सा बनकर रेडी होगा। आयु गोलगप्पे खाने लग रहा है। गोलगप्पे कौन लाए? पापा कितने खा लिए? दो खा लिए। अभी मेरे और चाहत के भी बचे हुए हैं। ये खाने से आपका मन ठीक हो जाएगा पेट? है सुबह से आयु का ना बोल रहा था मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा है, सही नहीं है सही नहीं है, अब ये गोलगप्पे खाने से ना इसका पेट सही हो जाएगा। ये हम सबके फेवरेट गोलगप्पे हैं। जहाँ से ये आए हैं कितने खा ले आपको? कितने खाने हैं? कितने खा लिए? तीसरा ही है। खा तो कई देर से रहे हो आप? अभी पापा ने खाया है। अच्छा मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो पता लगेगा कि आयु ने खत्म कर दिए खड़े खड़े, इसलिए मैं भी अपने खाती हूँ फटाक से। पेट में नहीं मुंह में पानी आना शुरू हो रहा है ना। बाद में खा रही अपने दीदी बाग ये अपना खाने के लिए। कैसा कितने खा लिए? चार? मैंने छह। आप कितने खाओगे? चलो क्या बचा है? ये तो थोड़े से बचा लो। फाइव के लिए बहुत है वो। ठीक है टाइम हो गया इनका। अभी हम खेलने वाले हैं लूडो, चारों तो देखते हैं कौन जीतता है और कौन रूस के भागता है, क्योंकि इस गेम में रूस के भागना एक कॉमन सी बात है। आयु का इशारा वहां पर है। आपका? मेरा आप पर है। दीदी? लिया है, रख दिया है यहाँ। ये खेलने वाले हैं फोन में, इसमें तो खेल लिया बस। फर्स्ट चार जीत गई है, सेकंड मैं। अब ये पापा बेटे के बीच में चल रही है, कौन जीतेगा? आयु की इतनी कटी थी ना, पापा नहीं काटी थी। नीचे देखो, नीचे ध्यान से, आयु कट करनी है आपको, जीतना है रेस में। भगा जीत सकते, जीत गया, आ गए। देख जी, जरूरी नहीं है अंदर जाके भी, वो लास्ट तक नहीं आता, इतने दूसरे की तो पूरी भी हो जाती है। अभी भी गेम में एक्साइटमेंट बना हुआ है, कौन जीतेगा? आयु की अंदर तो चली गई, फर्स्ट रखी अंदर तो चली गई, ये दोनों पर आ नहीं रहे। आयु को जीतने चाहिए, क्या होता है देखते हैं। पापा आयु की चली तो गई थी पर इसके आए नहीं। बढ़िया भाई, सुना
लूडो खेलने के बाद ये खेलने लग गए। उनो और आयु का थोड़ा सा रोना थोड़ा जारी हो गया अभी से ही, लास्ट तक पता नहीं क्या होगा क्योंकि ये लास्ट गेम में लूडो में हार गया था। जब आयु लूडो में हारने लगता है ना तो इसका चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, तो लूडो में तो हार गया। ऊनो खेल रहा, ऊनो क्या जीत सकते हो आप? मम्मी पूरे मैच देखना था, कौन जीत सकता है? चल उठा, आप उठाओगे? चल रख दिया, मैं चलूंगा। नॉट चैटिंग, ये बहुत चीटिंग लगता है। लूडो में तो हार गया था, यूनो में जीत गया, यूनो ऊनो में जीत गया, खुश हो रहा है इसलिए, नहीं तो अब तक तो रोता मिलता। अभी एक और मैच खेलेगा लूडो का, उस पे बोर्ड पे। गाइस लूडो भी खेल लिया, ऊनो भी खेल लिया, और उसके बाद तो मैंने ऑयल भी लगा लिया अपने हेयर में। अब की बार बहुत दिन हो गए थे मैं ऑयल नहीं लगा रही थी, अभी लगाया है, सुबह वॉश करूँगी। आयु गया अपने कपड़े चेंज करने, पैंट निकाल के निक्कर पहन ली। मैं बोल रही थी कि निक्कर मत पहन क्योंकि अभी रात को ना मच्छर खाते हैं और दरवाजा खोलते तो ठंड भी लगती है, लगती है ना। इसको क्यों निकाल रहे हो टी शर्ट को? मोटी नहीं है, सही है। बनियान तो निकालना, बनियान पागल है, निकाल ले चल। नहीं 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 ऐसा मौसम नहीं है, बनियान पहने रखू, ये निकाल दू। और टाइम हो गया है 9:45, तो अभी सोते हैं क्योंकि कल सुबह हमें कहीं जाना भी है। तो आज के व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको हमारे ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।